नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज है 31 अगस्त 2021। आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय पोषण माह का आयोजन करेगा? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्रालय ये गलत शब्द मंत्रालय ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल क्या है हमारी, देखिए ये पोषण माह मनाया गया है, ये जो है सितंबर में पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए शुरू होगा। ठीक है, इसका आयोजन कब शुरुआत कब हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था। पोषण का फुल फॉर्म क्या है, पीएम ओवर आर्चिंग फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामायण सम्मेलन का उद्घाटन आपसे क्या पूछा गया, उद्घाटन पूछा गया है, उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, अयोध्या। ठीक है, अब डिटेल देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आयोजन उद्घाटन कहाँ हुआ है, उद्घाटन तो हुआ था अयोध्या में, पर आयोजन जो होगा आयोजन कई सारी जगह पर होगा। पढ़िए देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति ने 65 दिनों तक चलने वाले कॉन्क्लेव का आयोजन गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, विद्यांचल, चित्रकूट, ललितपुर, श्रृंगवेरपुर, बिठूर, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा और गढ़मुक्तेश्वर, सहारनपुर, लखनऊ में किया जाएगा। देखिए आयोजन इन सब जगह पर होगा, पर जो उद्घाटन हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है, अयोध्या में हुआ है। इसमें विशेषज्ञ रामायण की घटनाओं का वर्णन करेंगे। किसका वर्णन करेंगे, रामायण की घटनाओं का वर्णन करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का पहला पदक किसने जीता? ऑप्शन है विनोद कुमार, निषाद कुमार, भवीना पटेल और सैली सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका भवीना पटेल। ठीक है, भवीना पटेल सी ऑप्शन इज राइट, भवीना पटेल। डिटेल देख लेते हैं। भवीना ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीतकर पैरालंपिक खेलों में भारत का खाता खोला। ठीक है, भारत का खाता खोला, यह टेबल टेनिस में भारत का पहला पदक है। देखो टेबल टेनिस में इन्होंने खाता खोला है, भारत का पहला पदक है, पर पैरालंपिक का कौन सा पदक है, ये पांचवा पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में किसने रजत पदक जीता है, रजत पदक किसने जीता है? ठीक है, सिल्वर कांस किसने जीता है? ऑप्शन है निषाद कुमार, विनोद कुमार, भवीना सिंह और रोडरिक टाउनसेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निषाद कुमार। ठीक है, कांस्य पदक किसने जीता है, निषाद कुमार ने हाई जंप में। डिटेल देख लेते हैं, ये निषाद कुमार जी हैं, इन्होंने ये हाई जंप इस तरह से मारी है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता, 2.06 मीटर की हाई जंप इन्होंने लगाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निषाद को 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। विनोद कुमार ने डिस्क थ्रो, अब देखो ये कौन है, निषाद कुमार है और ये दूसरे कौन है, विनोद कुमार। विनोद कुमार ने डिस्क थ्रो में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है विनोद कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 अगस्त 29 अगस्त 30 अगस्त और 31 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, 30 अगस्त। ठीक है, अब डिटेल देख लेते हैं। यह दिन छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है या उनके लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, किस देश के पत्रकारों को विशेष प्रत्याशित पत्र दिया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, अफगानिस्तान। अब डिटेल देख लेते हैं। पतंजलि पुरस्कार बोर्ड ने अफगानिस्तान के
पत्रकारों, रिपोर्टरों, ड्राइवरों और फोटोग्राफरों को उनके साहसिक कार्य के लिए प्रत्याशित पत्र प्रदान किया है। आपको पता होगा तालिबानियों ने वहां पर हमला कर दिया, तो इस तरह से वहां पर थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। तो आप इस वजह से अफगानिस्तान के पत्रकार, रिपोर्टर और ड्राइवर बड़ी मेहनत के साथ वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनके इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें प्रत्याशित पत्र प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये फोटोग्राफ में आप मैप के अंदर देख सकते हैं। मैप के अंदर देखिए, ये हमारा इंडिया येलो कलर में और ये ग्रीन कलर में, यहाँ पर ये पाकिस्तान है और यहाँ पर ये अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किसके द्वारा आयोजित किया गया है? देखिए, यही क्वेश्चन मैंने थंबनेल में डाला है, वहां पर मैंने ये पूछा है मेरा वतन मेरा चमन क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? एक मुशायरा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आज ये सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बाल श्रम निषेध मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय। ई ऑप्शन इज राइट, ई ऑप्शन इज राइट, अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, पूरा नाम है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 2030 तक, कितने तक? 23 तक देश भर में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरों और कवि सम्मेलनों का आयोजन करेगा। ठीक है, ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें काफी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अनवी अवनी लेखारा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या जीता है उन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है अनवी ने। ठीक है, देखिए ये अवनी जी हैं, निशानेबाज अवनी लेखारा ने पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक विजेता बनने का सौभाग्य इनको मिला है। ये भारत की चौथी एथलीट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा, नाम पूछा गया है मंत्रालय का, किस मंत्रालय द्वारा भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है? ऑप्शन है ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। अब डिटेल देख लेते हैं। ये नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, इन्होंने ये बीएच सीरीज लेकर आए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए एक नया नया मार्ग यानी भारत श्रृंखला लॉन्च की है। ठीक है, ये होगा क्या इसमें कि जो बीएच सीरीज आप ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कार को देश के बाहर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं, पीपल हु मूव्स ऑफ्टन कैन गेट बीएच सीरीज प्लेट एंड यूज देयर कार अक्रॉस इंडिया। मतलब अगर बीएच सीरीज है आपकी कार में तो आप इंडिया के बाहर भी गाड़ी को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसएपी यूरेंसेस का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, WHO और WTO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। हर साल 30 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस तारीख को? 30 अगस्त 2020 को आयोजन है, 21 को होगा। ठीक है, 30 अगस्त 2021 कर दीजिए इसे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 मतलब 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, रसेल विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मैक्स वर्स्टैपेन। अब देखिए हुआ क्या था कि मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड के हैं ये, को विजेता घोषित कर दिया गया है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को बारिश के कारण रोक दिया गया था। ठीक है, बारिश हो गई थी इस वजह से बीच में ही इसको रोक दिया गया। केवल 2 लैप ही हो पाए थे, मतलब 2 राउंड ही हो पाए थे जिसके आधार पर विजेता को घोषित कर दिया गया। 2 लैप में जो आगे था उसको विजेता घोषित इसमें कर दिया गया। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। दिस इज रिविजन टाइम, 2 मिनट में हम रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए फटाफट से। देखिए, हाल ही में कौन सा मंत्रालय पोषण माह का आयोजन करेगा? आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन इज राइट। रामायण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या में किया गया। उद्घाटन अयोध्या में किया गया पर आयोजन कई सारी जगह पर हुआ, पढ़ लेंगे आप पहले।
पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का पहला पदक किसने जीता है? भवीना पटेल जी ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में किसने रजत पदक जीता है? निषाद कुमार ने। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 अगस्त को। किस देश के पत्रकारों को विशेष प्रशस्त पत्र दिया गया है? आंसर है अफगानिस्तान के पत्रकारों को। मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अल्पसंख्यक मंत्रालय। मेरा वतन मेरा चमन क्या है, ये थंबनेल में मैंने क्वेश्चन डाला है, आप तो इसका आंसर हो जाएगा उस वहां पर मुशायरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अनवी लेखारा ने कौन सा पदक जीता? आंसर है स्वर्ण पदक। किस मंत्रालय द्वारा भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है? आंसर है सड़क परिवहन मंत्रालय। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिप्स एपीयूरेंसिस का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया था? आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन को। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप जो इसको सब क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं इस सीरीज में 11 क्वेश्चन डाले, तो उन 11 क्वेश्चन की ये क्या है आपके सामने आंसर की है, यहाँ से आप आंसर याद कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं और आगे के लिए अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। बाय बाय।